हेलो एवरीवन, दिस इज मी उस्मान एंड यू गाइस आर वाचिंग डेली फुटबॉल मैडनेस। कैसे हैं बाबा? बस बढ़िया बढ़िया उस्मान भाई, थोड़ा नर्वस लेकिन बढ़िया। देखते हैं कि नर्वस होने की बात है कि नहीं। मुझे मुझे वैसे लगता नहीं कि चेल्सी को नर्वस हो, मतलब आई नो कि वो जो डिफीट हुई है ब्रेंटफर्ड उसके बाद थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा वरना, लेकिन कोई मतलब बात करते हैं उसके ऊपर। यूफा चैंपियंस लीग इज बैक और क्वार्टर फाइनल्स सारे होने हैं, लेकिन वी विल बी टॉकिंग अबाउट चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड जो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे होने वाला है। बाबा, ओवरऑल रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं हुए, 3 ही मैचेस हुए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके अंदर एक मैड्रिड ने जीता, एक चेल्सी ने जीता और एक ड्रॉ हुआ है। लास्ट ईयर ही सेमीफाइनल हुआ था विच ऑब्वियसली चेल्सी वन, और रियल मैड्रिड फैंस जो हैं दे आर लुकिंग फॉर रिवेंज, जो कि जब से ही ड्रॉ हुआ है यही बात हो रही है, दे लुकिंग फॉर रिवेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टेक है आपका, जनरल टेक क्या है इस मैच को लेके? मतलब एक बार मैं रिकॉर्ड जरा क्रॉस चेक कर लेता हूं। जहां तक मेरे को ध्यान है, रियल मैड्रिड ने एक भी मैच नहीं जीता चेल्सी से। हो सकता है शायद, मतलब ये है कि इवन स्टीवन है, अच्छा 3 मैचेस नहीं मेरे ख्याल में नहीं खेले हैं, एक जीता हाँ मेरे ख्याल में ना। हाँ इसमें एक सेकंड, ये पता नहीं कि कौन सा स्कोर आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। मतलब ऐसा कुछ है कि कुछ भी, मतलब अभी काफी, मतलब कुछ रीसेंट टाइम्स में रियल मैड्रिड चेल्सी से जीती नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा कुछ है कि चेल्सी और रियल मैड्रिड के मैचेस ही बहुत कम हुए हैं आपस में। बहुत ही कम हुए हैं, 3 हुए हैं जो हाँ जितना मैंने पढ़ा था उसमें 3 ही हुए हैं, और उसके अंदर ये स्टैट्स वो शो कर रहे थे। खैर हाँ मतलब बहुत ज्यादा मैचेस नहीं हुए, और रिसेंटली ऑब्वियसली चेल्सी ने नॉकआउट कर दिया था रियल मैड्रिड को, तो चेल्सी की डोमिनेंस आप कह सकते हैं कि रिसेंटली रही है। हाँ 5 मैच हुए हैं चेल्सी और रियल मैड्रिड के, अच्छा जिसमें से तीन तीन चेल्सी जीती और 2 ड्रॉ हुए हैं। अच्छा 2 ड्रॉ हुए हैं, रियल मैड्रिड अभी नहीं हाँ जीती बिल्कुल भी। हाँ हाँ ये अगर ये फैन मैं तो नेशन गोल्ड फुटबॉल, फैन मैं नेशन गोल्ड डॉट फुटबॉल कॉम पे पे देख मैं रहे। गोल्ड डॉट कॉम पे देख रहा था वैसे ये स्टैट आज, लेकिन चलें कोई हाँ नहीं। हाँ ये जो भी तो है, मतलब चेल्सी हाँ का रिकॉर्ड ठीक है, चेल्सी का रिकॉर्ड हाँ ठीक है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, कुल मिला के बात यह है। तो वैसे तो देखिए, रिकॉर्ड का कोई मायना रहता नहीं है जब इतना बड़ा मैच आता है, सारी चीजें जो है वो वाइप आउट हो जाती हैं। और भी ऐसा मैं स्टैट देख रहा था कि रियल मैड्रिड जिस जिस सीजन बार्सिलोना से 4-0 हारी है, उस सीजन वो चैंपियंस लीग जीते हैं। तो ये सारी फालतू की बातें हैं। मतलब जब हाँ इतना सही बड़ा बात कोई गेम इतना बड़ा कोई गेम आता है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही स्टैट सही हो जाएंगे, कि चेल्सी फिर जीतेगी और रियल मैड्रिड भी चैंपियंस लीग जीत जाएगी। एक रिकॉर्ड तो चेंज होगा ही दोनों में से, या तो चेल्सी हारेगी या रियल मैड्रिड हारेगी 4-0 वाले सीजन में। तो ये सब क्या है कि लोग पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे हम चेल्सी फैंस पैटर्न ढूंढ रहे थे कि पिछले साल भी वेस्ट ब्रोम से 3 गोल से हार गए थे इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, 3 अप्रैल को क्वार्टर फाइनल से फर्स्ट लेग से पहले, और फिर चैंपियंस लीग जीत गए थे। तो सब बेबुनियादी बातें हैं। ये मैच इज अ क्लीन स्लेट। और मैंने ब्रेंटफर्ड वाले मैच के बाद भी कहा था कि जिस तरीके से हमने वो गोल्स कंसीड किए, ठीक है कोई बंदा देखेगा वो मैच को और स्कोर लाइन देखेगा, और यही केस है, मतलब मोस्ट ऑफ द मैड्रिड फैंस विल सी द स्कोर लाइन को, उन्होंने नहीं फॉलो किया होगा ये मैच को, जितना मेरा मतलब जितना मुझे लगता है। तो सब स्कोर लाइन देख के ही सोचेंगे कि यार ये चेल्सी तो पिट गई ब्रेंटफर्ड से। बट वो बीच में 10 मिनट का फेज आया था, और उस मैच में हम कुछ ऐसा ट्राई कर रहे थे जो हमने पूरे सीजन कभी ट्राई नहीं किया था, तो इस वजह से भी हमको उसमें गैम्बल खेला थॉमस टुकल ने, नहीं काम किया, हार गए। प्रीमियर लीग रूथलेस होती है, फर्क नहीं पड़ता सामने ब्रेंटफर्ड है कि मैन सिटी है, अगर आप अपने प्लान से भटकते हैं आप हारते हैं, सीधी सी बात है। तो सेम चीज मैंने रियल मैड्रिड के लिए भी बोली थी कि जो 4-0 बार्सिलोना से हारे हैं उसको एक बेंचमार्क लेके ना समझें कि भाई वो वैसा ही खेलेंगे चेल्सी के अगेंस्ट भी। और सेम चीज मैं चेल्सी के लिए कह रहा हूँ कि जैसा वो ब्रेंटफर्ड के अगेंस्ट खेले, आप ये ना समझें कि वो सेम रियल मैड्रिड के साथ भी वैसा खेलेंगे। दोनों टीमें अपनी फुल पावर पे आएंगी। हमने देखा मैड्रिड ने कामाविंगा और वेलवर्डी दोनों रेस्ट करा दिए थे अपने पिछले मैच में, तो इसका मतलब क्लियर क्लियर इंडिकेशन है कि क्या अप्रोच हो सकता है एंचेलोटी का। उनके आने के बाद ही पीएसजी के अगेंस्ट भी मैच जो था वो बदला था, अगर आपको ध्यान हो तो, सेकंड हाफ में। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत इंटेंस, बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही मतलब क्लोज गेम होने वाली है ये। बाबा बिल्कुल आपने ठीक है। रीसेंट फॉर्म की बात कीजिए तो चेल्सी की फॉर्म अच्छी चल रही थी, और एक वन ऑफ गेम आ जाता है जिसके अंदर कुछ फेज होता है जब आप बिल्कुल लूज कर जाते हैं, जिसमें वो 10 मिनट थे, 10-15 मिनट थे। अदरवाइज आई थिंक चेल्सी
वॉज इन कंट्रोल। अगर रियल मैड्रिड की मैं बात करूं, अगर मैं रियल मैड्रिड का गेम पीएसजी गेम से एनालाइज करना शुरू करूं तो इट इज ट्रू, आप जितना बहुत क्रेडिट जाता है रियल मैड्रिड को व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, उन्होंने जो है वो अपना एक्सपीरियंस यूज किया, दे बेसिकली वन एट कमबैक बेहतरीन, एवरीथिंग वाज ग्रेट, 150 मिनट्स जो है वो पीएसजी ने डोमिनेट किया था, 140 टू 150 मिनट्स। एक ये कंसर्निंग पॉइंट है रियल मैड्रिड के लिए। दूसरा कंसर्निंग पॉइंट ये है कि वो बारसा वाला गेम, मैं सिर्फ बारसा वाले गेम की बात नहीं कर रहा, मैं एक पैटर्न दिखा रहा हूँ, उसके अलावा सेल्टा वीगो वाला गेम भी कंफर्टेबल नहीं था रियल मैड्रिड के लिए, उसमें भी वो मतलब इट वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल। फिर बाबा जो एंचेलोटी के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि एंचेलोटी जो है वो बेंच यूज नहीं कर रहा, आप कैसे लेते हैं इस क्रिटिसिज्म को? यार देखिए उस्मान भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है कि कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा था सीजन के फर्स्ट हाफ तक या 20-22 गेम तक जब सब कुछ सही चल रहा था, ये अचानक से पिछले कुछ समय में पूछा जाने वाला सवाल है क्योंकि आप थोड़ा सा लीग फॉर्म आपका सफर हुआ है और आप चैंपियंस लीग में बाहर होते होते बच्चे, ठीक है, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। यर्गन क्लॉप से तो सवाल नहीं पूछा गया था ये पिछले 3 साल में, पिछले सीजन ही पूछा जा रहा था कि क्यों तुम ट्रांसफर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो, क्यों तुम नहीं लगे हैं। चलिए अभी उनकी डेप्थ अच्छी हो गई है, कुछ मैनेजर्स होते हैं जिनको छोटी स्पॉट से खेलना पसंद है, वो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है। एक मैं फैक्ट आपको बताता हूं, अगर कार्लो एंचेलोटी लीग जीत जाते हैं, जो कि वो जीत जाएंगे 90% श्योर है, अब इतना टाइम नहीं है बार्सिलोना के पास टू ओवरटर्न दैट डेफिसिट, और बार्सिलोना का भी एक वन ऑफ गेम बहुत नजदीक है, कोई भी टीम इतना हाई फ्लाई नहीं कर सकती है कंसिस्टेंटली, ये लॉ ऑफ एवरेजेस है, आप कुछ नहीं कर सकते। एक हो गया एक गेम ऐसा जिसमें बार्सिलोना अच्छा खेल के भी पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी, तो यहाँ से बार्सिलोना सारे गेम नहीं जीत सकती है, और उसमें भी आपको होप करना है कि 3 मैच हार जाए मैड्रिड बीच में, तो वो पॉसिबल नहीं है, 4 बल्कि मतलब 4 में वो ड्रॉप करें, तो बहुत मुश्किल है ये। तो मैं फन फैक्ट आपको ये बता रहा था कि कार्लो एंचेलोटी अगर लीग जीत जाते हैं तो वो टॉप 5 लीग जीतने वाले पहले मैनेजर बन जाएंगे, टॉप 5 लीग्स में हर लीग, हर टीम मतलब मिनिमम एक लीग टाइटल जीता उन्होंने, उन्होंने प्रीमियर लीग में चेल्सी से जीत ली है, बायर्न म्यूनिख से उन्होंने बुंदेसलीगा जीता है, एसी मिलान से सीरिया में जीता है, पीएसजी से फ्रेंच लीग जीती है, और अब ये ला लीगा जीतने का उनके पास चांस है, सीरियल विनर तो है वैसे एंचेलोटी, तो प्रूवन मैनेजर है, क्रिटिसिज्म मिलता भी है, बट उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए आप तो अनफेयर है। बस ये आप ये एक डिस्कशन कर सकते हैं कि कार्लो एंचेलोटी इवॉल्व क्यों नहीं होते हैं, वो अपनी टैक्टिक्स को इवॉल्व क्यों नहीं करते हैं, और उसमें भी कोई वो वाली बात नहीं है क्योंकि प्लान ए उनका कभी कभी इतना अच्छा काम करता है कि प्लान बी की जरूरत ही नहीं पड़ती, जस्ट लाइक यर्गन क्लॉप। मैं एग्री करता हूँ आपसे, सैकिंग आई थिंक इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, जो कि काफी दफा मैं भी कह चुका हूँ कि यार सैकिंग की बात क्यों कर रहे हो, बंदा ला लीगा जीत रहा है, वो पीएसजी को उसने हरा दिया है, आप क्वार्टर फाइनल्स के ऊपर है, क्या साइनिंग, कामाविंगा के अलावा क्या साइनिंग थी, मेन प्लेयर्स उसके चले गए, डिफेंस पूरी चलेगी, तो क्रेडिट तो देना चाहिए और आई थिंक क्रेडिट मिलता भी है सैकिंग, वही रिएक्शनरी फैन जब कुछ पीएसजी वाला गेम हुआ था तो सैकिंग के ऊपर उसके ऊपर आ गए थे, विच शुड नॉट बी अ क्वेश्चन। बाबा मूविंग ऑन, क्या स्टार्टिंग लाइनअप लग रही है आपको चेल्सी की, अगर हम मतलब वन बाय वन स्टार्ट करें तो आई थिंक गोल के अंदर एडवर्ड मेंडी होगा, बैक थ्री के साथ जाएंगे क्रिस्टेंसन, रूडीगर एंड थियागो सिल्वा, आई थिंक एस्पिलिक्वेटा, थियागो सिल्वा और रूडीगर का बैक थ्री होगा, क्रिस्टेंसन, बिल्कुल बिल्कुल एस्पिलिक्वेटा, ये 3 होंगे, राइट साइड के ऊपर होगा रीस जेम्स और लेफ्ट पे होगा अलोंजो, और जो मिडफील्ड होगी वो कोवाचिच और आप कांटे की देख रहे हैं, राइट जी बिल्कुल, और अप फ्रंट आई थिंक स्ट्राइकर हाइवर्ट्स, राइट साइड के पास सियाच और लेफ्ट साइड के ऊपर मेसन माउंट, दैट्स इट राइट जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब मेरे को यही लग रहा है, मे बी पुलिसिक को ट्राई करा सकते हैं जस्ट टू, सबसे खराब गेम था जो ब्रेंटफोर्ड पे अगेंस्ट देखा हमने, और वही चीज है, हाँ तो ZH और माउंट और हैवर्ट्स, ये फ्रंट थ्री, अभी ये इनफॉर्म फ्रंट थ्री भी है, ये इनफॉर्म फ्रंट थ्री, मतलब कब सीजन जब हुआ था ना शुरू के 10-15 मैच तो समझ ही लगती थी फ्रंट थ्री क्या होना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब आपको समझ लगने लगी है कि यार फ्रंट थ्री क्या होना चाहिए क्योंकि परफॉर्म कर रहे हैं बाकी लोग इतने अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ना कि अपने आप ही साइड हो गया कि कौन तीन को आपने खिलाना है, ऐसा नहीं है कि सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे 19-20 तो उसमें से आपने फ्रंट थ्री चुनना था, ये कर रहे हैं 19-20 और बाकी तो 5-6
ऐसा चल रहा था तो उस तरीके से। अच्छा अगर रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग लाइनअप की बात की तो उसमें तो कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है। आई थिंक टीबो कोर्टुआ बैक फोर होगी, मिलिटाओ, अलाबा, फोलैंड मेंडी और टेनी कारवाहाल, मिडफील्ड ट्रायो वही रहेगा जो हमेशा रहता है, क्रूज, मुझे लग रहा है कि कामाविंगा या वेलवर्डी में से एक खेल सकता है जस्ट टू काउंटर प्रेस चेल्सी। मैं आपको एक बात बताऊं, वी वांट दैट, ठीक है, इवन रियल मैड्रिड फैंस वांट दैट, लेकिन जब भी अभी हाफ फिट क्रूज को उसने खिला दिया तो फुली फिट क्रूज को तो वो बिठाने नहीं वाला। आपको लगता है कि वो बिठाएगा इन तीनों को हटा के? पता नहीं। अच्छा, मतलब हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए ये यार? मेरे हिसाब से तो अगर आपको थोड़ा सा डराना है चेल्सी को मिडफील्ड में तो आपको, नहीं तो फिर वही होगा जो लास्ट सीजन हुआ था, मतलब जैसे डोमिनेट कर दी थी चेल्सी ने मिडफील्ड, वो कांटे गले नहीं कर दी थी। हाँ, सब बोलते हैं क्रूज और मॉडरिच प्रेस रेजिस्टेंट हैं, जब कोवाचिच और कांटे आते हैं आपके तो आप नहीं रहते हैं प्रेस रेजिस्टेंस, आप हड़बड़ा जाते हैं आप, मतलब और क्रूज और मॉडरिच में वो लेग्स भी नहीं रहे, ठीक है, मॉडरिच इज स्टिल प्लेइंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन नहीं है वो बात जो पहले होती थी, तो वो वाली चीज है। मतलब मेरे को लगता है कामाविंगा विल गिव देम अ न्यू डायमेंशन इन द मिडफील्ड, कामाविंगा एंड, क्योंकि आप सेम चीज पीएसजी के अगेंस्ट भी देख लीजिए ना, क्यों कुछ नहीं कर पा रही थी क्रूज था जब तक, और वेलवर्डी कामाविंगा के आती गेम बदल गई। मैं एग्री करता हूँ, एक वेलवर्डी या कामाविंगा में से एक को लाजमी खेलना चाहिए मैच, लेकिन आई एम लाइक 99% श्योर, आई वुड बी लाइक सरप्राइज कि अगर वो खेलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं खेलेंगे, यही मिडफील्ड रहेगी, लेकिन खेलना चाहिए नोइंग एंचेलोटी। फ्रंट थ्री आई थिंक इसमें भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, विनीशियस है, बेंजेमा ऑब्वियसली दे विल बी प्लेइंग राइट साइड के ऊपर, आई पर्सनली वॉन्ट के रोड्रिगो को खिलाएं क्योंकि आपको दोनों आउटलेट मिलते हैं, और ये हमने सेकंड हाफ में ये भी देखा था कि रोड्रिगो वॉज वेरी डेंजरस, एसेंसियो इज एन इन्वर्टेड विंगर, वहां पे वो एक नेचुरल विड्थ नहीं प्रोवाइड करता राइट साइड के ऊपर, तो बाबा आपको लगता है कि यू विल गो फॉर रोड्रिगो और यू विल गो फॉर एसेंसियो? फॉर्म के हिसाब से तो रोड्रिगो, मतलब जिस तरीके, मतलब आप पीएसजी वर्सेस मैड्रिड देखोगे ना तो अगेन आपको लगेगा कि असेंसियो डिड नॉट बिलोंग देयर, मतलब 21 प्लेयर अलग वेवलेंथ पे खेल रहे हैं, वो 22वां अलग ही ऑड वन आउट दिखता था उस गेम में, मतलब वो क्वालिटी में डिफरेंस था बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा अंडर पार था गेम उस दिन असेंसियो का, सारे बाकी के सारे प्लेयर्स सेम वेवलेंथ पे थे असेंसियो के अलावा, तो इतने बड़े मैच में आप गूफ अप नहीं कर सकते, बट मैं तो चाहूंगा इस चेल्सी फैन की असेंसियो खेले। बाबा कभी कभार ना मुझे ऐसा लगता है, मुझे ना डिबाला से भी फीलिंग, मेरा जस्ट पर्सनल ओपिनियन, और मुझे असेंसियो से भी फीलिंग आती है, आई एम नेवर श्योर कि उनकी परफेक्ट पोजीशन है क्या, विंगर तो नहीं है, राइट विंग तो नहीं है, ये तो मुझे ऐसा मतलब लगता है कि राइट विंग नहीं है, मुझे कभी कभार लगता है कि दे आर मोर सूटेड टू प्ले विद अ स्ट्राइकर, राइट, या जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर या वेरी क्लोज फ्रंट टू के अंदर, बट दैट इज डिबेटेबल। आपको क्या लगता है कि इनकी क्या परफेक्ट पोजीशन है असेंसियो या फिर डिबाला जैसे प्लेयर्स की? इवन ग्रीज़मन भी उसी कैटेगरी में आता है। बिल्कुल, असेंसियो सबसे ज्यादा तभी डेंजरस था वो जो 2-3 साल पहले व्हेन ही बर्स्ट ऑनटू द सीन, जब वो सेंट्रल खेलता था थोड़ा सा, एक फेज आया था ना उसका, जैसा अभी विनीशियस का चल रहा है फेज अभी, मतलब विनीशियस जैसे फर्स्ट हाफ में खेल रहा था सीजन के, उतना तगड़ा तो नहीं था असेंसियो का, लेकिन एक आया था जब असेंसियो गोलाजो ही मार रहा था और फिर मतलब बहुत अच्छा खेल रहा था, वीक इन वीक आउट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस दे रहा था, बहुत हाइप हो गई थी उसकी, वो तभी हो रहा था जब वो सेंट्रल ही खेल रहा था थोड़ा सा, उसका गेम ही सेंट्रल, तो आजकल थोड़ा सा क्या है प्लेयर्स, देखो अगेन मैं कहता हूँ कि जब आप बात करते हो एम्बापे हालैंड, एम्बापे हालैंड पॉसिबल ही नहीं है एम्बापे हालैंड एक टीम में, क्योंकि अ प्लेयर, अ डायरेक्ट प्लेयर इज एट इज मोस्ट डेंजरस व्हेन ही सेंट्रल, अगर सेंट्रल आप नहीं खेलेंगे तो आप डेंजरस नहीं होंगे, तो कौन सेकंड फिडल खेलेगा उस टाइम पे? तो असेंसियो थोड़ा सा लाइक्स टू बी इन द थिक ऑफ थिंग्स, डिबाला लाइक्स टू बी इन द थिक ऑफ थिंग्स, वो सेकंड फिडल वाले प्लेयर्स नहीं है ये, लेकिन जब बेंजीमा है आपकी टीम में तो आप कैसे, मतलब और विनीशियस जिस फॉर्म में, तो आप तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिडल हो गए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे कि यहां पे रोड्रिगो को ही खेलना चाहिए, और आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट हालैंड और एम्बापे थिंग आल्सो। बाबा बिफोर वी गो टुवर्ड्स अ प्रेडिक्शन, वन प्लेयर टू वॉच आउट इन रियल मैड्रिड एंड वन प्लेयर टू वॉच आउट इन चेल्सी फॉर दिस मैच। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रियल मैड्रिड इज बेंजीमा फॉर मी, क्योंकि जो भी परेशान किया था पिछली बार भी चेल्सी, वो बेंजीमा ने ही किया था, बाकी तो इट वॉज ऑल अंडर कंट्रोल। हाँ ठीक है, इंजरीज थी, लोग बोलेंगे कि 5 at the back खिलाना पड़ा था जिडान को इंजरीज की वजह से, राइट विंग पे खेल रहा था विनीशियस, राइट विंग बैक पे, वो सब इस बार नहीं होगा,
बट आई स्टिल थिंक बिग मैच बिग गेम प्लेयर द बिग मैन फॉर द ओकेजन करीम बेंजीमा भाई उससे बचो करीम बेंजीमा से बचो डोंट गिव हिम स्पेस डोंट गिव हिम अ चांस टू शूट बिकॉज ही कैन प्रोड्यूस मैजिक फ्रॉम नोवेयर और फॉर चेल्सी आई थिंक मेसन माउंट मेरे को लगता है कि परेशान कर सकता है इस बार रियल मैड्रिड को बिकॉज वी हैव सीन those spaces being left बहुत ज्यादा आजकल पिछले तीन चार मैचेस में यहाँ पर कोवाचिच और माउंट पे आप खासा नजर रखिएगा इस मैच में ऑल और नथिंग टाइप की होगी चेल्सी की मिडफील्ड क्योंकि कोवाचिच बॉम्ब फॉरवर्ड करेगा काउंटर मार दिया रियल मैड्रिड ने जल्दी तो खेल खत्म अगर रुडेगर पीछे नहीं है तो वरना खेल खत्म क्योंकि अलोंजो से आप नहीं उम्मीद करें अलोंजो तो यूं बैठ जाएगा जब काउंटर पड़ रहा होगा कि चलो यार कोई बात नहीं पढ़ रहा है पढ़ने दो रुडेगर देख लेगा और यहीं अगर हमने उनको थोड़ा सा पैक बैक कर दिया क्योंकि काय हैवर्ट्स इतना ब्रिलियंट खेल रहा है ना आजकल तो उसको मतलब ही इज ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम उसकी फिनिशिंग भी इंप्रूव हो गई है थोड़ी सी और मतलब वो कॉन्फिडेंस आ गया काय हैवर्ट्स इज लुकिंग लाइक अ चेल्सी प्लेयर अब प्रॉपर मतलब वो जो एक थी ना कि भाई क्या कर लिया 80 मिलियन का क्या लेके आ गए अब प्रॉपर काय हैवर्ट्स वो चीज कर रहा है तो बहुत फायदा होने वाला है काय हैवर्ट्स को विद द वर्क रेट दैट कोवाचिच एंड मेसन माउंट विल प्रोवाइड तो ये दो तीन प्लेयर है जो मुझे लगता है बाबा मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मेरे बेंजिमा से एग्री करता हूँ आई थिंक विदाउट बेंजिमा रियल मैड्रिड फंक्शन नहीं करती उसका लिंकअप प्ले मिडफील्ड से वाइड प्लेयर से बेहतरीन है विनीशियस इज अ बेटर प्लेयर विद करीम बेंजिमा सो करीम बेंजिमा इज एब्सोल्युटली वाइटल फॉर मी मेरे लिए प्लेयर जो है एज ऑलवेज द प्लेयर ऑफ द सेमीफाइनल प्रीवियस ईयर फाइनल ऑल्सो N'Golo Kanté आई थिंक N'Golo Kanté अगर अपनी जो वो करता है अगर वो बंद कर देता मिडफील्ड जो कि क्रूज कैजमीरो और मॉडरिच की अगर वो बंद कर देता है उस मिडफील्ड को तो उससे बहुत फायदा होने वाला है फॉरवर्ड प्लेयर्स को इवन कोवाचिच को भी तो आई थिंक Kanté इज अ वेरी वाइटल प्लेयर फॉर मी चेल्सी Kanté का मैं बताऊं मेरे को पहली बार वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहा थोड़ा सा पिछले तीन चार मैचेस से मतलब होता है हर प्लेयर का फेज आता है बट ही इज ऑल्सो बिग गेम प्लेयर ये exactly. हाँ, जब बड़ा मैच आता है ना नॉकआउट तो उसकी एक अलग ही इंटेंसिटी दिख रही होती है इवन लास्ट सीजन भी ऐसा लग रहा था कि मैचेस अच्छे जा रहे थे उसके लेकिन जब सेमीफाइनल और फाइनल आए तो एक अलग ही चीज दिख रही थी वो तो उस बीस्ट मोड में चला गया फिर तो Kanté वो मतलब उस फाइनल में तो ऐसा लग रहा था कि ये हिलने ही नहीं दे रहा यार मतलब वो तो क्या हमने दो तीन चांस ऐसे मिस करे फाइनल में थंपिंग विक्ट्री हो जाती है हमारी फाइनल में सही बता रहा हूँ 2-0 3-0 मैं एग्जैक्टली मैं एग्री उसने केविन डी ब्रुइने को फंक्शन ही नहीं करने दिया था मिडफील्ड के अंदर मतलब मैंने केविन डी ब्रुइने को इतना हेल्पलेस नहीं देखा है फॉर मी इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड लेकिन उसको फंक्शन ही नहीं करने दिया था फाइनल में तो गाइस ये था लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रेडिक्शन बाबा फॉर यू स्टैमफोर्ड ब्रिज मेरे ख्याल में कोई सरप्राइजेस नहीं है प्रेडिक्शन में यार मैं टू बी ऑनेस्ट नॉट वेरी कॉन्फिडेंट स्टैमफोर्ड ब्रिज में है तो आई एम गोइंग विद पता नहीं 1-1 ड्रॉ के साथ जाऊंगा मैं वील विन इट एट द बर्नबाउ पहला गेम डिफिकल्ट हो जाएगा अब पहला गेम है चांसेस मिस करेंगे हम बहुत सारे और उनको एक चांस मिलेगा काउंटर पे वो गोल कर देंगे फिर हम इक्वलाइज करेंगे और फिर वो करेंगे वही बोलेंगे बार बार जो बोलते रहते हैं कि यार कितने चांसेस मिस करेंगे वही होगा मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक चेल्सी विल विन मुझे ये पता नहीं टाई क्यों पेनल्टीज पे मेरी गट फीलिंग है कि पेनल्टीज पे जाता हुआ दिख रहा है सिटी वाला गेम भी उसके ऊपर बाद में बात करेंगे लेकिन मुझे पेनल्टीज पे जाता हुआ दिख रहा है लेकिन आई सी के 2-1 यहाँ पे चेल्सी जो है वो लीड लेगी और 2-1 वुड नॉट बी अ बैड रिजल्ट फॉर रियल मैड्रिड ऑल्सो जो जैसे 1-0 बैड रिजल्ट नहीं था रियल मैड्रिड टू टेक बैक होम तो मुझे लगता है कि 2-1 भी एक बुरा रिजल्ट नहीं होगा ऑल्दो अवे गोल्स नहीं है लेकिन 2-1 इज ऑल्सो अ वेरी डिसेंट रिजल्ट टू टेक होम तो 2-1 मेरी प्रेडिक्शन है 1-1 बाबा की प्रेडिक्शन है थैंक यू बाबा सो मच फॉर योर टाइम और बिग मैच देखते हैं कौन जीता है और गाइस अगर आपको पसंद आया वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक डू सब्सक्राइब कीप एंजॉयिंग फुटबॉल अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स अ गुड बाय फ्रॉम बोथ ऑफ अस बाय गाइस